हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज रक्षाबंधन है, तो हैप्पी रक्षाबंधन और लव यू। तभी गाइज मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और दी लोग भी नहा के रेडी हो चुके हैं, तो चलिए राखी बंधवाते हैं। तभी गाइज राखी बनवाना हो चुका है, ये देखिए। और सुबह से कुछ नहीं खाए थे, तो चलिए थोड़ा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। तभी गाइज आज भी बारिश हो रहा है, रक्षाबंधन के दिन भी देखिए। और ये बतख सब हमारा बारिश का आनंद लेते हुए। तभी गाइज 4 बज रहे हैं अभी और थोड़ा मौसम अच्छा हुआ, अच्छा है, तो अभी घूमने के लिए निकले हैं। एक डैम जा रहे हैं घूमने के लिए और मेरे साथ गोविंदा और मोहेश है। हाय बोल दो। हाय। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं डैम में। नेसा डैम हम लोग पहुंच गए हैं और चलिए आपको नेसा डैम दिखाते हैं। ये नेसा डैम का बोर्ड है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसका वार्निंग यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर नेसा डैम का ऑफिस है और ये इसका बोर्ड है, नेसा डैम लिखा हुआ है। और ये हमारा बाइक खड़ा है और देखिए पूरा फॉग ही फॉग है पूरा पहाड़ के ऊपर। और ये डैम पूरा पहाड़ों के पूरा चारों तरफ पहाड़ है और इसके बीच में ये डैम है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये उसमें पानी छोड़ा जाता है, उसका चाबी वगैरह है ये इसमें। और ये देखिए मछली पकड़ रहे हैं लोग, मछुआरा। ये देखिए बहुत लोग हैं मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर पहाड़, वहाँ पर देखिए पहाड़ों में पूरा फॉग ही फॉग है, ये देखिए। और ये नेसा डैम का चाबी है जो यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है, और यहाँ पर ताला लगा हुआ है अंदर नहीं जाने के लिए, कोई भी पब्लिक नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर चाबी है, यहाँ पर खोलते हैं फिर पानी, फिर छोड़ते हैं। और जो पानी छोड़ते हैं यहीं पर से निकलता हुआ है कैनालों में जाता है, जो खेती वगैरह करते हैं उस तरफ है, उस तरफ पूरा खेती वगैरह करते हैं तो पानी छोड़ा जाता है यहाँ से। और इस तरफ पूरा जनवरी फर्स्ट में पूरा भीड़ होता है, यहाँ पर उस साइड भी पूरा पूरा भीड़ होता है, मतलब डैम के चारों तरफ भीड़ होता है। पिकनिक स्पॉट भी ये एक तरह से लोकल में, पूरा लोकल के पूरा लोग आते हैं, 10 किलोमीटर के अंदर सभी आते हैं यहाँ पर। और ये व्यू देखिए कितना अच्छा है। और डैम में अभी थोड़ा पानी कम है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए, सावन का महीना है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बारिश कम हुआ है तो इसलिए नहीं है। और ये देखिए व्यू कितना अच्छा है, देखिए पूरा मस्त व्यू है। इस साइड पूरा फॉग है, पहाड़ों में पूरा लगा हुआ है फॉग, आपको अच्छे से देख नहीं रहा है लेकिन पूरा आँखों में देखने से पूरा फॉग है। इस तरह मैं पहले बार देख रहा हूँ, पूरा चारों तरफ पहाड़ है, देखिए इस तरह भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, और इस तरफ भी। इस तरफ से नहीं है क्योंकि यहाँ इस साइड में खेती वगैरह होता है, और ये रहा कैनाल, यहाँ से पानी जाता है। और ये सब जो देख रहे हैं इस साइड में पूरा भीड़ होता है, पूरा दूर तक वहाँ उस पहाड़ पूरा भीड़ होता है, डीजे वगैरह भी लाते हैं और पूरा डांस वेंस करते हैं, और क्या पूरा मस्ती करते हैं यहाँ पर। इस रोड में तो पूरा मतलब डैम के ऊपर पूरा भीड़ ही भीड़ होता है। और यहाँ का बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ के पूरा ठंडा ठंडा हवा भी मार रहा है, और ये पीछे देखिए क्या व्यू है, और क्या बात है। ये 1980 में बनाया गया था, फार्मर पर्पज के लिए बनाया गया था, मतलब खेती के पर्पज से बनाया गया था। यहाँ पर नीचे खेत वगैरह है तो उसको पानी पहुँचाने के लिए। और ये भालदा से करीबन 6 या 7 किलोमीटर पड़ता है, भालदा छोटा सा सिटी है यहाँ का लोकल सिटी। और ये छोटा सा डैम है, ये देखिए। और यहाँ पर पूरा क्राउड होता है 25 दिसंबर और जनवरी फर्स्ट में, पूरा पिकनिक बनाने के लिए सब लोग आते हैं हमारे एरिया के। यहाँ पर आके तो पूरा मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। और वहाँ पर गोविंदा और मोहेश खड़े हैं, मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रहा हूँ। डैम को और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, अच्छा लगा। इस तरफ देखिए पूरा क्या ही बताएं, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा घर, तो चलिए निकलते हैं। और वहाँ पर मोहेश और गोविंदा है,
सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और अभी चलेंगे घर। तो चलिए घर में मिलते हैं। तभी गई हम घर पहुंच चुके हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और ये देखिए, ये है मसाला का पिट्ठा जो हमारे घर में बनाया हुआ है, तो चले इसे खाते हैं। तभी गई अभी रात का 10 बज रहा है और खाना पीना हो चुका है और आज हम निजाडे में घूमे और रक्षाबंधन भी मनाए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।